आपने अपनी पोकेमोन जर्नी में काफी सारे जिम लीडर से मुकाबला किया होगा और काफी ज्यादा टाइप वालों के साथ किया होगा, बट आपको पता है कि कौन से टाइप का जिम लीडर सबसे ज्यादा ताकतवर है? सो इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ हर एक टाइप का जिम लीडर जो है सबसे ज्यादा ताकतवर। सो हे गाइस, मैं हूं आपका प्यारा एनिमेंट मेंशन एक्स इन शॉर्ट एडीएक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को तो दबा ही देना। हम करते हैं बिना किसी देरी के शुरू। नंबर वन, वाटर टाइप। तो इसमें जो जिम लीडर्स आते हैं वो है जुआन, वायलेंस, मार्लोन, क्रैशर वेक, मिस्टी, नेसा एंड क्रिस। अब मेरे हिसाब से ये सभी बेस्ट तो हैं, बट इनमें से भी बेस्ट है क्रैशर वेक। क्रैशर वेक होया रीजन का एक वाटर टाइप जिम लीडर है और इसके पास पोकेमोन है मेरा पर्सनल फेवरेट गैराडोस, फ्लोटजेल एंड क्वैक्सायर। इसके बाकी सारे पोकेमोन तो अच्छे हैं, बट इसका स्पेशली क्वैक्सायर कमाल का है जो एक वाटर एंड ग्राउंड टाइप है। अब क्वैक्सायर की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि इसके सामने अगर आप ग्रास टाइप पोकेमोन भी ले आओ ना, वो भी कई बार फीका पड़ जाता है। भले ही ग्रास टाइपिंग से वीक हो, बट इसके पास आइस टाइप मूव सीखने की क्षमता है और शायद यही कारण है कि ये इसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर बनाता है। नंबर टू, रॉक टाइप। तो इसमें जिम लीडर्स आते हैं ब्रोक, रॉक्सेनी, गोडी, ग्रांट एंड रॉक। वैसे तो रॉक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, बट मैं यहाँ कंसिडर करूंगा ब्रोक को। ब्रोक के पास काफी कमाल के पोकेमोन और काफी अलग अलग प्रकार के पोकेमोन है। उसके पास तो मेगा शीलिक्स भी है जो उसे एकदम कमाल का ट्रेनर बना देता है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ब्रोक की इससे ज्यादा तारीफ करने की जरूरत है, नहीं तो मिस्टी की तरह मेरा भी कोई कान पकड़ के ले जाएगा। नंबर थ्री, साइकिक टाइप। तो इसके जिम लीडर है सबरीना, टेट एंड लीजा एंड ओलिपिया। अब मेरा गेम और एनिमी का डाटा कहता है कि सबरीना सबसे ज्यादा बेस्ट है और वो है भी। भले ताकत की बात करें या कुछ और चीज की, उसके पास काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं और खासकर उसका एलेकजाम जो काफी कमाल का पोकेमोन है। और तो और इसके पास ड्राउजी, हिप्नो एंड एग्जीक्यूटर जैसे और भी कमाल के पोकेमोन हैं जो इसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बनाते हैं। नंबर फोर, ग्राउंड टाइप। तो इसमें आते हैं जियोवानी एंड क्ले। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो जियोवानी ऑफ कोर्स आगे आएगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होने के साथ ताकतवर भी है। जियोवानी ने भले ही एनिमे में ग्राउंड टाइप पोकेमोन के साथ कुछ भी नहीं उखाड़ा है, बट गेम्स में इसने राइडोन के साथ अच्छे अच्छों को खड़ा है। नंबर फाइव, फायर टाइप। और इसमें आते हैं ब्लेन, फ्लैनरी, चिली एंड काबू। और मेरे अकॉर्डिंग ब्लेन सबसे बेस्ट है। ये कैंटो रीजन का सिनेबार आइलैंड का एक फायर टाइप जिम लीडर है। इसके पास पोकेमोन है राइडोन, नाइनटेल, आर्कनाइन एंड मैगमार। अब आर्कनाइन और नाइनटेल्स तो कमाल के हैं ही, बट अब मैगमार को कौन भूल सकता है? क्या लड़ाई लड़ी थी यार चारिज़ार्ड के खिलाफ। क्या मतलब कि मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ क्यों वो मेरा फेवरेट फायर टाइप पोकेमोन है। नंबर सिक्स, ग्रास टाइप। तो इसमें ट्रेनर आते हैं रेमोस, एरिका एंड गार्डेनिया और ऐसे और भी कई सारे, बट इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट है रेमोस। रेमोस कैलोस रीजन का एक ग्रास टाइप जिम लीडर है। ये बेसिकली माना जाता है अपनी कमाल की स्ट्रेटजीज के लिए, मतलब अपनी स्ट्रेटजी से किसी को भी उड़ाने की क्षमता रखता है। और इसने ऑलमोस्ट एश की धजियां उड़ा दी थी, वो तो एश एंड मौके पे जीत गया, नहीं तो एश तो गया था। नंबर सेवन, इलेक्ट्रिक टाइप। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे वोल्कनर आएगा, क्योंकि पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये सबसे ज्यादा ताकतवर जिम लीडर था, रैंक्स 27 था। मतलब अपने आप में काफी बड़ी अचीवमेंट है इसके लिए। और इसके पास पोकेमोन है राइचू एंड लक्सरे जो काफी कमाल के हैं। अगली टाइपिंग है पॉइजन टाइप और इसमें आती है रॉक्सी, क्योंकि कोगा से कुछ ना होगा। रॉक्सी कमाल की ट्रेनर होने के साथ साथ काफी माइंड गेम भी अच्छी खेल लेती है। इसके स्कोलपीट ने तो मचा दी थी धमाल। अगली टाइपिंग है बग टाइप। अब ये काफी कमजोर टाइपिंग है, इसलिए इसमें जिम लीडर भी काफी कम आते हैं, इसलिए इसकी जिम लीडर है वियोला। अभी इतनी कुछ खास जिम लीडर तो नहीं है, बट बाकी सारी से तो अच्छी है। इसके पास पोकेमोन है विवलियन और सर्सकेट, जो इतने भी कुछ खास नहीं है, बट इतने बुरे भी नहीं। अगली टाइपिंग है नॉर्मल टाइप, जिसमें आते हैं लैरी, विटनी, एलिना, चैरन एंड वन ऑफ द बेस्ट नॉर्मन। अब इसमें कोई शक नहीं कि नॉर्मन काफी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है। इसके पास लैकिंग्स, विगरो जैसे पोकेमोन है जो अपने आप में काफी अच्छे पोकेमोन है। और एनिमे में ये एश से लड़ा जरूर है और उसको अच्छी खासी टक्कर भी दी है, हालांकि हार गया था, बट अच्छा तो है। अगली टाइपिंग है फ्लाइंग टाइप और इसमें ट्रेनर आते हैं वोल्कनर, स्काइला एंड विनोना। अब इसमें भी कोई शक नहीं कि इसमें हमारी विनोना ही जीतेगी, क्योंकि उसके पास है एक शाइनी पिजियोट
स्वेलो थी क्या उसके पास? मुझे लगा पिजियोट है। एंड ऐसे ही और भी काफी कमाल के पोकेमोन है और इसने एश के खिलाफ उसे काफी अच्छी टक्कर दी थी, तो और क्या चाहिए इस लिस्ट में आने के लिए। सो अगली टाइपिंग है फाइटिंग टाइप और इसमें आते हैं चक, बी, कोरिना, माइलिन, हाला एंड ब्राउली। एंड इन सब में देखा जाए तो कोरिना, बी एंड चक काफी ज्यादा आगे आते हैं। चक तो बी एंड कोरिना का मास्टर भी है, बट इनमें से बी बाजी मार लेती है। नाम बी जैसा है बट काम भी बी जैसा है, ओपोनेंट को चुबाने का काम ही करती है। और इसको जो खास बनाती है वो है इसका जाइगेंटिमैक्स मैजैम, काफी कूल है। अगली टाइपिंग है घोस टाइप, तो इसमें आता है मोटी, फेंटीना, एलिस्टर। ये तीनों ही देखा जाए तो गेम से काफी कमाल के हैं, बट एनिमे में फेंटीना ज्यादा अच्छी रही थी। इसके पास है मिस मैगियस जो सच में मिस्टीरियस, एंड मिस मैगियस के साथ साथ इसके पास एक और पोकेमोन है ड्रिफ्लूम जो काफी अच्छा है। अगली टाइपिंग है आइस टाइप जिसमें आती है पिर्सी, ब्राइसिन, मेलोने, वल्फ्रिक एंड कैंडिस। एंड इसमें कोई डाउट नहीं है कि वल्फ्रिक काफी कमाल का है, इसके पास तो मेगा बैम स्नो है और हमने मेगा बैम स्नो वर्सेस ग्रेनिंजा का बैटल देखा था, क्या धमाल का मुकाबला था यार। अगली टाइपिंग है स्टील टाइप और इसमें तो वैसे जैस्मीन एंड बायरोन आते हैं, बट बायरोन ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं। इसके पास पोकेमोन है बेस्टडोन, स्टीलिक्स एंड सारे एशियंट पोकेमोन मिला लो यार, काफी ज्यादा एशियंट पोकेमोन है। सच में काफी कमाल का पोकेमोन है, भले शक्ल से चोर लगता हो बट अच्छा तो है। अगली टाइपिंग है ड्रैगन टाइप और ये सच में काफी कमाल की टाइपिंग है और इसमें आएगा रियान। वैसे तो काफी ट्रेनर आते हैं बट रियान क्यों, क्योंकि वो मास्टर रेट में आ चुका है एंड मुझे नहीं लगता मुझे इससे ज्यादा बताने की कुछ जरूरत है। अगली टाइपिंग है डार्क टाइप और इसमें मेरी पर्सनल ट्रेनर आती है मारनी। इसके पास इसका कमाल धमाल पोकेमोन है ग्रिमस्नार्ल जो एक फेरी एंड डार्क टाइप पोकेमोन है और इसके पास तो जाइगेंटिमैक्स फॉर्म भी है जो इसे और क्या चाहिए कमाल का बनाने के लिए। एंड द लास्ट इज फेरी टाइप और जिसके पास है सिल्वियन वो है विल्बियन, आई मीन टू से वैलेरी। एंड अगर आपको भी वैलेरी अच्छी लगती है और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट में वीडियो मिल जाएगी उससे भी दबा देना। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा भाई नमस्कार, सत श्री अकाल, केम चुको सकाय, बाय बाय।